बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले कि अगर आपका COVID-19 वैक्सीन का अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें और उसके लिए क्या प्रोसीजर और आपको क्यों नहीं COVID-19 वैक्सीन का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो सबसे पहले दो तीन बातें क्या है कि हम लोग का ID वर्जन इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम लोग को जैसे हम लोग जब ID बनाते हैं तो हमारी ID वर्जन जो है वो 7 पॉइंट है। आप अपने अपशर में जाके अपनी ID वर्ज़न चेक कर सकते हैं कि आपकी ID वर्ज़न कितनी है और उसके बाद ही आप सेहती ऐप पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके हिसाब से आपको कोई भी चीज़ मिलती है। जैसे अभी जैसे मैंने ID बनाई तो कफिल के घर के ड्राइवर थे और सबक खान जो घर में खदामा काम करते उन लोग का ID वर्ज़न जो होती है नंबर 1 होती है। वो जैसे ही ID बनाएंगे तो हम लोग ID जो बनाते हैं तो उस टाइम हमारा अपॉइंटमेंट जो है 24 घंटे बाद ये शो करता है और यहाँ इसे पेंडिंग पे रहता है क्लिक और ये कन्विस यू अपॉइंटमेंट जो है बुक अपॉइंटमेंट जो है हमारा 24 घंटे बाद आता है। और जैसे ही आपका ID वर्ज़न 1 है यानी आप ड्राइवर हैं काफ़ी लोग के साथ जैसे अस्त्रा वगैरह में काम करते हैं उनके साथ ये वो तो उनका सिस्टम जो होता है ना वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट उनको मिल जाती है डायरेक्ट यानी उनको पेंडिंग नहीं। जैसे ही ID बनाएंगे वैसे ही उनको बुक अपॉइंटमेंट का सिस्टम आ जाता है और हम लोग जब ID बनाते हैं सेहती ऐप पे तो हमारा पेंडिंग रहता है 24 घंटे बाद। उसके बाद दूसरी बात कि अब अपॉइंटमेंट लेने की बात तो बहुत से भाई लोग ID बना रहे हैं जैसे मान लीजिए हमने अपनी अपॉइंटमेंट मेरा आ गया अब हम ओपन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ COVID-19 वैक्सीन पे सब अपना नो कर लेंगे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। ये देखिए ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखिए सारे सेंटर खुल गए जो मेरे आसपास में जितने सेंटर अभी इसमें कुछ सेंटर ऐड नहीं हुए हैं ये सारे सेंटर खुल गए। पहले मेरे दोस्त के जिसका ये कैनाडी है उसको सिर्फ एक भी सेंटर नहीं मिला सारे सेंटर हाउसफुल थे सारे सेंटर A to Z फुल रहते हैं। तो बहुत से भाई लोग परेशान कि मेरे सेंटर नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा तो परेशान ना हो भाई लोग इंशाल्लाह सारे सेंटर खुलेंगे 12 घंटे में 24 घंटे में 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में आपको वैक्सीन का डोज मिल ही जाएगा। पर सबसे पहले ID वर्ज़न इंपॉर्टेंट होती है जिसकी ID वर्ज़न ज़्यादा अच्छी होती है 1 नंबर 2 नंबर पहले अगर हम ID बना लें मेरी ID वर्ज़न नंबर 1 है तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट हमको मिलेगी और मेरी ID वर्ज़न 7 है 7 है 6 है 5 है 8 है तो हमको बाद में मिलेगी यानी जैसे ही जगह वहाँ खाली होगी अपॉइंटमेंट पे वो हमको अपॉइंटमेंट फ़ौरन मिल जाएगी। जैसे देखिए यहाँ हम क्लिक करते हैं सबसे नीचे में देखिए हेयर आर डेट इज अवेलेबल राइट नाउ यानी आपके यहाँ डेट नहीं है यही आप दूसरी जगह अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे ये देखिए डेट आ गई। तो बहुत से भाई लोग इसी चीज़ को लेकर परेशान थे बेचारे तो परेशान ना हो इंशाल्लाह सबको अपॉइंटमेंट मिलेगी सबको वैक्सीन लगेगी। तो यही सब सारी चीज़ें हैं अपॉइंटमेंट लेना किस तरह है आप लोगों को पता ही है अगर नहीं पता तो मेरी एक वीडियो में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोरोना वैक्सीन कैंसिल किस तरह करते हैं डोज को कैंसिल किस तरह करते हैं उसकी भी एक वीडियो में बना चुका वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके अपनी कोरोना वैक्सीन अगर ले चुके हो ऐड कर चुके हैं अगर आपको नहीं जाना अगर आप बीमार पड़ गए खांसी बुखार कोई सी बीमारी हो गई आप बिजी हैं उस कंडीशन में आपको क्या करना उस पर मैं वीडियो बना चुका आपको उस टाइम जाके अपना कैंसिल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आ रही है तो परेशान ना हो इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट मिल जाएगी बस ट्राई करते रहें अपना देखते रहें 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में आपको मिल जाएगी। यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा लें क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ ताकि आप लोग का फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।